lovely breakfast for my lovely wife. वो जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उसका एक अंदाज थोड़ा यूनिक था, तो मुझे लगा कि यार ये स्क्रिप्ट कुछ अलग लिखा हुआ है. और एक दो मरतबा मुझे लगा कि यार ये नहीं, सही नहीं है. मुझे ये भी लगा कि नहीं, वो ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ऐसे क्यों नहीं है. बट क्योंकि आबिस रज़ा बड़े एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने और हिना जो है हमारी प्रोड्यूसर जो है उन्होंने बैठ के ये स्क्रिप्ट लिखवाया हुआ है. तो मुझे करने के बाद एहसास हुआ कि इट इज़ नॉट अबाउट द डायलॉग, इट इज़ अबाउट द सिचुएशन एंड व्हाट दे कैन क्रिएट ऑन द स्क्रीन. सो मोर देन व्हाट वी से एंड मोर देन व्हाट इज़ रिटन, यू वुड सी मच मोर देन दैट, यू नो, स्मॉल लिटल टच दैट दे हैव गिवन टू द होल प्लॉट एंड द होल ड्रामा. सो इट्स ब्रिलियंट, इट्स क्वाइट नाइस. एज आई सेड, इट्स क्वाइट अनयूजुअल. नहीं, आविस भाई की बेस्ट बात ही यही है कि वो सबको ही धुन देते हैं. एक्शन. मिस हिना जो है, जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम इनको देखा था और देखते ही उन्होंने पसंद किया था इसको कि ये ऐसा ही बच्चा मुझे चाहिए. और वो भी बहुत ही नाइस लेडी हैं, मतलब हर लिहाज से, कि इसकी शॉपिंग करवानी, क्या इसको पसंद है, कैसे खाने पीने का बाबर पूछना. हालांकि ये सरेला के अलावा या बनाना के अलावा कुछ नहीं खाता, लेकिन बाबर आके पूछती थी स्पेशली कि नहीं, इसको भी खाना खाना है, इसको कुछ भी चाहिए हो तो फील फ्री कि आप मंगवाना चाहती हैं. तो उस हिसाब से मतलब बहुत ही नाइस लेडी मैंने उनको पाया, बहुत अच्छा इंसान पाया.